आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बार बोर्ड में पूछा गया है। देखो, ये टॉपिक जो आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में जो 6th नंबर क्वेश्चन है और जो 7th नंबर क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ए बी करके, और हर एक पार्ट 5-5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कई साल ये पूछा गया है। देख लीजिए, ये जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये मैं ऐसा नहीं लिख पाया हूँ। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण एवं 2 उपयोग लिखिए, और अमोनिया की क्रिया क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप पहले ध्यान से समझिएगा कि देखो, हमारे पास हमें कई सारी गैसें 12th क्लास में पढ़नी है। अगर हम शुरुआत थोड़ा सा देखें तो शुरुआत जो है वो हम नाइट्रोजन परिवार से गैसों की शुरुआत होती है। जैसे पहली गैस है N2 नाइट्रोजन, ये आपको पढ़ना है। दूसरी गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस आपको पढ़नी है। उसके बाद जो आपको गैस पढ़नी है वो है NH3 अमोनिया। उसके बाद आपको गैस पढ़नी है PH3 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फीन। तो इस तरह से ये 4 गैसें हैं। कुछ गैसें और भी हैं जैसे NO गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एंड NO2 भी है। तो ये गैसें भी हैं बट ये डिटेल्ड में नहीं है। मतलब डिटेल्ड में आपको 4 गैसों को समझना है और 4 गैसों को दिमाग में रखना है। कौन कौन सी गैसें जो हमने ली हैं याद रखिएगा। पहली गैस है नाइट्रोजन, दूसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको हम बोलते हैं लाफिंग गैस, तीसरी गैस है अमोनिया और चौथी गैस है फॉस्फीन। इनमें से जो 2 गैसें हैं जो मैंने लास्ट में ली हैं, अमोनिया और फॉस्फीन, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाती हैं, 5 मार्क्स की आती हैं, और सचित्र वर्णन के लिए इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है, सपोज हम अमोनिया की ही बात कर लें तो आपसे पूछा जाएगा अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन करो। देखो, 2 तरह की विधियाँ होती हैं। प्रयोगशाला में अगर कोई गैस बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रयोगशाला विधि, उसका सचित्र वर्णन भी पूछा जाता है। और अगर बड़े लेवल पर बनानी हो तो हम उसको बोलते हैं कि हम औद्योगिक लेवल पर इसको तैयार कर रहे हैं, तो वो होती है गैस बनाने की औद्योगिक विधि। तो दोनों ही विधियां जो है वो पूछी जाती हैं, प्रयोगशाला भी पूछी जाती है, औद्योगिक भी पूछी जाती है। बट अमोनिया के केस में ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि औद्योगिक विधि ज़्यादा पूछी गई है। ऐसा नहीं है प्रयोगशाला विधि नहीं पूछी गई है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल मैं जिस पर बात कर रहा हूँ वो है अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि। और अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि है कौन सी, हेबर विधि। और हेबर विधि में करते क्या हैं, देखो हेबर विधि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जब हम सचित्र वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिद्धांत, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखो, इसके सिद्धांत को समझिएगा, हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में ले लेते हैं और आयरन उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 200 वायुमंडल दाब पर इसको गर्म करते हैं तो हमको मिलती है अमोनिया गैस। ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी प्रकार की होती है। यहाँ पर हम देखें तो डेल्टा एच का जो मान होता है वो माइनस में होता है 22.4 किलो कैलोरी। तो देखें, यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम 1:3 के अनुपात में लें, 400 से 500 तापमान लें, 200 वायुमंडल दाब लें, आयरन उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम वर्धक की तरह ले लें, तो हम देखेंगे कि अमोनिया गैस का उत्पादन होना शुरू होता है। और यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी प्रकार की है। डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है, -22.4 किलो कैलोरी, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए भाषा कैसे लिखनी है वो हम बता देंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमारा टारगेट है कि ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बने, मतलब साम्य अवस्था किस दिशा में जाए, आगे की दिशा में जाए। तो देखो, आगे की दिशा में कैसे जाएगी, इसके लिए आप लोगों ने नियम पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं लाशा तेलिए का नियम।
तो लाशा तेलिए के नियम में क्या बताया जाता है, देखो यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, 1 और 3, 4 वॉल्यूम है, और यहाँ कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, तो 4 से कितना हो रहा है, 2, तो मतलब वॉल्यूम में क्या हो रही है, कमी। देखो वॉल्यूम में क्या हो रही है, कमी। तो आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो अगर वॉल्यूम में हो रही है कमी तो प्रेशर हमें क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा। तो देखो हमने ज़्यादा प्रेशर कितना ले लिया, 200 वायुमंडल। अब ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट ज़्यादा प्रेशर क्यों लिया गया, अगर कभी कोई पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई अभिकारक के 4 आयतन हैं, उत्पाद के 2 आयतन हैं, हम अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा रहे हैं तो आयतन में कमी हो रही है, आयतन में कमी हो रही है इसका मतलब दाब हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उच्च दाब लेने पर अमोनिया ज़्यादा मिलेगी, साम्याग्र दिशा में जाएगा, और तो उच्च दाब हम कितना लेंगे, 200 वायुमंडल। अब हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी प्रकार की है, मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा निकल रही है तो टेम्परेचर का मान कम होना चाहिए, मगर हम तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन दिमाग में उठता है, ये रिएक्शन तो ऊष्मा क्षेपी है, ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, मगर उसके बाद भी हमें टेम्परेचर कितना लेना पड़ रहा है, ज़्यादा लेना पड़ रहा है, 400 से 500 लेना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? तो उसके लिए जो हम कारण समझते हैं उसको समझिएगा। आपको मैंने बताया था N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, अगर हमें रिएक्शन करानी है नाइट्रोजन की तो हमको तीनों बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और 3 बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, ज़्यादा एनर्जी हमको खर्च करनी पड़ती है, और ज़्यादा एनर्जी जब हम खर्च करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी हमें मिल जाती है और रिएक्शन होने लगती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन नो डाउट ऊष्मा क्षेपी प्रकार की है, नो डाउट एक्सोथर्मिक टाइप की है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, बट यदि हम टेम्परेचर कम लेंगे तो रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम कम टेम्परेचर लेंगे तो रिएक्शन को पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन को सफिशियंट एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए, सक्रियण ऊर्जा देने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देना पड़ता है, और जब इतना तापमान दे देते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ऊष्मा निकलनी शुरू होती है, उसके बाद हमें बार बार गर्म नहीं करना पड़ता है। इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलती है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर को क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, बट इनिशियल फेज में, शुरुआती टाइम में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, और वो टेम्परेचर कितना होता है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई थिंक अब आपको सिद्धांत रट गया होगा, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे अमोनिया के निर्माण की हेवर विधि, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हेबर विधि, उसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी प्रिंसिपल या सिद्धांत। सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेते हैं, और उनकी रिएक्शन उच्च दबाव पर, लगभग 200 वायुमंडल दबाव पर, 400 से 500 सेंटीग्रेड तापमान पर आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक, देखो दो चीज़ें हैं, आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमें अमोनिया की प्राप्ति होती है, और इसका समीकरण ये होता है N2+3H2=2NH3। एरो के ऊपर FeMO लिखोगे, टेम्परेचर 400 से 500, और प्रेशर कितना लिखोगे, 200 वायुमंडल, और डेल्टा H का वैल्यू कितना लिखोगे, कॉमा लगा के हुए, -22.4 किलो कैलोरी। ये हमारा सिद्धांत हो गया। इसी के आगे आप दो लाइन में कंक्लूड कर सकते हो कि अमोनिया के निर्माण की हेवर विधि उत्क्रमणीय प्रकार की है, अतः अमोनिया की अधिक प्राप्ति हेतु लाशा तेलिए के नियम से हमें उच्च दबाव की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात उच्च दबाव लगाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा और अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, चूंकि अमोनिया के निर्माण की जो रासायनिक समीकरण है वह ऊष्मा क्षेपी प्रकार की है, अतः इसे या अमोनिया का निर्माण कम तापमान पर होना चाहिए, किंतु कम तापमान लेने पर यह अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है अथवा नहीं होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया को पर्याप्त सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अभिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा प्राप्त कराने हेतु, अभिक्रिया को शुरुआत कराने हेतु हमें इसका तापमान 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है, तब जाकर के ये अभिक्रिया आरंभ होती है, और फिर इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है जो इस अभिक्रिया का तापमान स्वतः 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर लेती है या स्थिर कर लेती है। कर लोगे ना इसे?
ये हो गया हमारा सिद्धांत। आप भाषा को कम ज़्यादा अपने अनुसार अपने टाइम के अनुसार कर सकते हो। जितनी भी भाषा हो सकती थी उतनी भाषा मैंने आपको सिद्धांत में बोल करके बता दी। सिद्धांत में लाशा तेलिए के नियम का जिक्र करना आवश्यक है, आप करेंगे तो आपका आंसर बेहतर माना जाएगा, ठीक है। उत्प्रेरक क्या है? आयरन। ये विकल्प का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हेबर विधि में उत्प्रेरक होता है आयरन, और उत्प्रेरक की सक्रियता को जो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वह है कहलाते हैं वर्धक। और इसमें वर्धक का काम कौन करता है? मॉलिब्डेनम। ये भी बहुत पूछा जाता है कि हेबर विधि में उत्प्रेरक कौन है? आयरन। हेबर विधि में वर्धक कौन है? मॉलिब्डेनम। अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि है कौन सी? तो हेबर विधि। हेबर विधि उच्च दाब पर ही क्यों कराई जाती है? लाशा तेलिए का नियम। हेबर विधि तो एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है, मगर इसमें तापमान 400 से 500 क्यों लिया जाता है? सक्रियण ऊर्जा। ये सब मैंने यहाँ पर एक ही साथ एक ही सिद्धांत में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो सिद्धांत को जब आप अपने नोट्स बनाइएगा तो थोड़ा बड़ा लिखिएगा सारी चीज़ों को कवर करते हुए। हाँ, पेपर टाइम पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो आपकी खुद की सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया सिद्धांत। अब सिद्धांत के बाद हम आते हैं उपकरण पर। देखो ये संयंत्र लगा हुआ है, हम आपको बता चुके हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है वहाँ पर हम उपकरण की जगह संयंत्र लेते हैं। तो देखो संयंत्र हमारे सामने मौजूद है, ये बना हुआ डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो कौन सी चीज़ क्या है उसको मैं ध्यान से बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये हमारे पास एक समझ लो कि सिलेंडर टाइप है, ठीक है। यहाँ पर हमने दो गैसें भेजी हैं, नाइट्रोजन भेजी है और हाइड्रोजन भेजी है 1:3 के अनुपात में। मतलब हम क्या लिखेंगे, हमने नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस को 1:3 के अनुपात में कहाँ भेजा? कंप्रेशर में, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशर। कंप्रेशर का मतलब जो इस पर उच्च दबाव लगा दे। देखो गैस है आपके कमरे में है, मगर ये नॉर्मल प्रेशर, एक वायुमंडल, हमें 200 वायुमंडल चाहिए, तो इन गैसों को दबाना पड़ेगा। और दबाने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशर। आप खुद देखो जब आप गाड़ियों में हवा भराते हो, ठीक है, तो क्या करते हो आप, मशीन वाले के पास जाते हो, बोलते हो हवा भर दो, और वो हवा उस पाइप में ला करके दबा देता है और भर जाती है आपकी हवा। तो आप कहते हो ये हमारी जो नॉर्मल वायु है हम उसको टायर में क्यों नहीं भरते? आप खुद सोचो, जो मशीन उसके पास होती है, मशीन करती क्या है, यही वायु को अपने अंदर लेती है और प्रेशराइज करती जाती है, बहुत प्रेशराइज करती जाती है। मतलब जो उनके पास एक वो टंकी होती है जिसमें वो हवा भरी रहती है, वो टंकी के अंदर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा दबाव पर है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर है उसमें। और जब आपको टायर में हवा भरनी है तो टायर के अंदर भी हवा है, उसका भी प्रेशर है। तो ये जो टंकी का प्रेशर है, टंकी के अंदर जो वायु है उसका जो प्रेशर है वो टायर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम बॉल लगाते हैं, पुश करते हैं, तो टंकी की हवा उस टायर के अंदर चली जाती है और टायर फूल जाता है, हवा भर जाती है। तो आप खुद देखो कि हमें हवा को प्रेशर देना है, दबाव देना है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, कंप्रेशर लिया। ये कंप्रेशर है, इसमें हमने 1:3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भर लिया, कंप्रेशर से उच्च दबाव लगाया, और उच्च दबाव लगाने के बाद हमने गैस को आगे भेज दिया। आगे ये गैस एक कक्ष में गई जिसको हम बोलते हैं शोधन कक्ष। शोधन कक्ष, देखो शोधन कक्ष का मतलब है एक सिंपल सी प्रोसेस है। देखो यहां पर मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं, इस कक्ष के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है ये मैं आपको समझा सकता हूं, यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। केवल कक्षों के नाम आप याद रखिए कि हमने सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेशर से अगले कक्ष में भेजा जिसका नाम था शोधन कक्ष। यहां एक तरह से जल की फुहार गिराई जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें गिराई जाती हैं। क्यों गिराई जाती हैं कि मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कुछ धूल मिट्टी के कण हो तो वो पानी की फुहार से गीले हो जाए और गीले होकर नीचे बैठ जाए, मतलब हमारी जो वायु है वो साफ सुथरी हो जाए, धूल मिट्टी के कण उसमें से अलग हो जाएं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही बचे, और इसलिए इस कक्ष का नाम होता है शोधन कक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेशर की सहायता से उच्च दबाव लगाकर जब शोधन कक्ष में भेजा जाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में उपस्थित धूल मिट्टी के कण
नीचे रह जाते हैं और शेष साफ सुथरी उच्च दबाव युक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगले कक्ष में प्रवेश करती है। ये अगले कक्ष में प्रवेश कर रही है तो यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगी। आप कहोगे ऊपर क्यों नहीं जाएगी, अभी बताते हैं। यहाँ पर गैस कौन सी प्रवेश कर रही है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इस कक्ष में जब वो प्रवेश करती है तो इस कक्ष का नाम होता है उत्प्रेरक कक्ष। इस कक्ष में मिक्सचर भरा होता है आयरन का और मॉलिब्डेनम का। आयरन उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम क्या होता है, वर्धक होता है। इनका मिक्सचर रखा हुआ होता है। ये गैस इस मिक्सचर के कांटेक्ट में आती है। इस कक्ष का तापमान हम 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं और जब ये गैस इस मिक्सचर के कांटेक्ट में इस तापमान पर आती है तो ये गैस नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हमने मान लिया कि रिएक्शन नहीं करी तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अवशेष होगा, और रिएक्शन कर ली तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो इस तरह से हमें तीन गैसें मिल जाती हैं। कौन कौन सी, अगर रिएक्शन कर ली तो अमोनिया, रिएक्शन नहीं करी तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो अब यहाँ से हमारी तीनों गैसें चलती हैं आगे, नाइट्रोजन भी चलती है, हाइड्रोजन भी चलती है और अमोनिया भी चलती है। ये जो अगला कक्ष होता है यह कहलाता है संघनित्र। संघनित्र का मतलब है कि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रखा हुआ है, बर्फ़ वगैरह रखी हुई है, ठीक है, काफ़ी ठंडी चीज़ रखी हुई है और इसके अंदर नली में से ये गैस गुजारेंगे। तो आपको पता है कि जो अमोनिया है वह हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकती है, और जब हम ठंडा करेंगे तो अमोनिया के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्रवित हो जाते हैं। तो यहाँ जो नीचे की तरफ हमें निकलती हुई दिखाई देगी ये होगी द्रवित अमोनिया। द्रवित अमोनिया मतलब अमोनिया गैस संघनित्र में क्या हो जाएगी, द्रव में बदल जाएगी, और यहाँ नीचे की तरफ जो द्रव या लिक्विड निकलेगा उसको बोलेंगे द्रवित अमोनिया। इसको इकट्ठा कर लेंगे, अमोनिया हमको मिल गई। मगर अभी बहुत सारी नाइट्रोजन थी और हाइड्रोजन थी जो रिएक्शन नहीं कर पाई, तो वो गैस के रूप में यहाँ ऊपर से निकल गई, क्योंकि गैस हल्की होती है ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ से गैस निकल गई ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ हमने इसको आगे भेजा। यहाँ पर कौन सी गैस निकल के जा रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये एक अगले जगह पर पहुँची, ये क्या है, पंप है, ठीक है, ये भी क्या है, कंप्रेशर पंप है, कंप्रेशर पंप है, ठीक है, या सर्कुलेटरी पंप कह सकते हैं इसको आप, जो संचरण करता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन पर फिर से दबाव लगाता है और आगे भेज देता है, कहाँ पर, ऊपर साइड से। तो यहाँ से भी क्या आ रहा था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर से भी क्या आ रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ऊपर से देखो प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से गैस ऊपर ना जा करके नीचे आई थी। तो सारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस फिर से किस कक्ष में जाती है, उत्प्रेरक कक्ष में, फिर रिएक्शन करती है, फिर अमोनिया बनती है, अमोनिया द्रवित होकर के नीचे आ जाती है, और जो रिएक्शन नहीं करती है वह आगे चली जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एंड फाइनली लास्ट तक आपको सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी, और सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाएगी। बट इट विल टेक सम टाइम, समय लगता है, और फाइनली आपको अमोनिया गैस की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था हमारा डायग्राम, या जिसको हम बोलते हैं आपका संयंत्र। तो देखो आपने सिद्धांत लिख लिया था, ठीक है, सिद्धांत के बाद आपने हेडिंग क्या लिखी थी, संयंत्र। संयंत्र में आपको कुछ नहीं करना है, चित्र बना देना है और सारे बॉक्स के नाम लिख देना है कि कौन सा कक्ष कौन सा है, किसमें क्या चीज़ ली गई है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप विधि लिखोगे, ठीक है, संयंत्र के बाद हेडिंग आती है विधि, तो जो मैंने भाषा बोल के सुनाई है अभी वही भाषा विधि में लिखी जाती है। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर कंप्रेशर से उच्च दबाव लगाकर इसको शोधन कक्ष में भेजते हैं, जहां इसमें उपस्थित धूल मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं। उच्च दबाव युक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का मिश्रण उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, जहां आयरन और मॉलिब्डेनम का मिक्सचर भरा होता है। इस कक्ष का तापमान 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस कक्ष में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस पहुंचती हैं तो उनके मध्य परस्पर अभिक्रिया होती है और अमोनिया गैस बनती है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मौजूद रहती है। इन सभी गैसीय मिश्रण को हम संघनित्र में भेजते हैं, जिसके चारों ओर ठंडा जल अथवा बर्फ इत्यादि भरे होते हैं। अमोनिया गैस ठंडी होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है और संघनित्र के निचले भाग से प्राप्त कर ली जाती है, जबकि अपरिवर्तनशील नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आसानी से द्रव में नहीं बदलती हैं, ये गैस रूप में ही रहती हैं। ये गैस रूप से आगे कंप्रेशर पंप में पुनः भेज दी जाती हैं, जहाँ पर इनको पुनः उच्च दबाव लगाकर
उत्प्रेरक कक्ष में रिसर्कुलेट किया जाता है, फिर से भेज दिया जाता है और इस यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमें लगातार अमोनिया गैस की प्राप्ति होती रहती है। और इस तरह से हम अमोनिया गैस को प्राप्त कर लेते हैं और अमोनिया गैस के प्राप्त करने की इस विधि को हम बोलते हैं हेवर विधि। बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है और इस विधि के लिए हेबर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत उपयोगी रिएक्शन होगी। कैसे उपयोगी है इसको थोड़ा सा आप सर्च करिएगा, वरना फिर किसी वीडियो में मैं अमोनिया का कोई जिक्र करूंगा तो मैं आपको इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी बताऊंगा कि हेबर को इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज़ क्यों मिला। फिलहाल थोड़ी सी चीज़ आपको सर्च करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, इसके दो प्रमुख रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण बहुत सारे हैं, मतलब अमोनिया की रिएक्शन इससे कराओ उससे कराओ ये सब क्या है रासायनिक गुण। तो अमोनिया की रिएक्शन करानी है वो कहलाते हैं रासायनिक गुण। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है अमोनिया की क्लोरीन से क्रिया, AgCl से क्रिया, CuO से क्रिया का अभिक्रिया लिखो, तो इनकी जो रिएक्शन है ये बेसिकली क्या है अमोनिया के रासायनिक गुण है। तो आपसे एक आध बार पूछा गया है ऊपर वाला क्वेश्चन कि इसके दो प्रमुख रासायनिक गुण और दो उपयोग लिखो, और कभी कभी ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए और आगे क्या लिखा है अमोनिया की क्लोरीन AgCl और CuO के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। तो बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये रासायनिक गुण ही है। आपसे रासायनिक गुण पूछेगा तो भी ये लिख देना और सीधी रिएक्शन पूछेगा तो वो मैं बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ इसके उपयोग लिखिए। तो देखो मैं सबसे पहले उपयोग बता देता हूँ, रासायनिक गुण उसके बाद बता दूंगा। देखो इसका जो उपयोग होता है वो प्रशीतक के तौर पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसका उपयोग कहाँ करते हैं प्रशीतक के तौर पर करते हैं, कूलेंट के रूप में करते हैं। कूलेंट के रूप में किस तरह से ये वर्क करती है आप ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि जो आपकी फ्रिज है, ठीक है, जो आपकी फ्रिज है उस फ्रिज में एक गैस भरी है, जो गैस उस फ्रिज को ठंडा बना करके रखती है वो गैस काम कैसे करती है उसको सोचो। देखो हमारे पास गैस है वो लिक्विड के रूप में है, ठीक है, वो लिक्विड के रूप में है। अब जैसे ही वो लिक्विड पर प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर कम होता है, वो लिक्विड किस रूप में बदलता है गैस के रूप में बदलता है। या आप ऐसा समझ लो अभी प्रेशर रिलीज मत करो, आप उस लिक्विड को सर्कुलेट करो, ठीक है। आपने क्या किया एक फ्रिज है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, उस लिक्विड को आपने सर्कुलेट किया। तो सर्कुलेट जब किया तो फ्रिज के अंदर आपने कुछ वस्तुएँ रखी, वो वस्तुएँ ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं तो ठंडी क्यों हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी ऊष्मा को निकाल देती हैं, किसी भी वस्तु से अगर ऊष्मा निकल जाएगी तो वो वस्तु ठंडी हो जाएगी। तो क्या होता है वस्तु से जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को वो लिक्विड ग्रहण कर लेता है, लिक्विड ग्रहण कर लेता है और लिक्विड ग्रहण करके किस में बदल देता है गैस में बदल देता है। तो देखो आपका फ्रिज में एक लिक्विड भरा हुआ था, वो लिक्विड सर्कुलेट हो रहा था पूरी फ्रिज में चारों तरफ, और चारों तरफ फ्रिज में सर्कुलेट हो रहा था तो उसने किया क्या, फ्रिज के अंदर जो भी वस्तुएं रखी थी उससे ऊष्मा को ग्रहण कर लिया और वो लिक्विड किस अवस्था में चला गया गैस अवस्था में। अब लिक्विड सर्कुलेट हुआ था वो गैस में बदल गया, अब वो गैस सर्कुलेट होकर के फिर से, भाई नली तो ऐसी गोल गोल है, तो लिक्विड चला ऊष्मा ग्रहण करी गैस में बदला, वो गैस चलेगी गैस चलेगी गैस चलेगी और जैसे ही वो फिर से अपनी जगह पर पहुंचेगी वहां पर लगाता रहता है कंप्रेशर, तो वो उस गैस को फिर से कैसे बदल देता है लिक्विड में। अब वो लिक्विड फिर सर्कुलेट होगा, फिर ऊष्मा को ग्रहण करेगा गैस में बदलेगा, गैस फिर आएगी और फिर कंप्रेशर में जाएगी, फिर से कैसे बदल जाएगी लिक्विड में। तो आप खुद सोचो लिक्विड को गैस में बदलना, लिक्विड को गैस में बदलना ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऊष्मा ग्रहण करके अपने आप हो जाता है, मगर गैस को लिक्विड में बदलना इसके लिए हम कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। तो फ्रिज में आपका कंप्रेशर भी रहता है, वो गैस भी भरी रहती है, वो गैस साल दर साल धीमे धीमे करके डेसिपेट होती है और कम हो जाती है, तो उससे कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि वो फ्रियोन गैस है CF2Cl2 गैस है तो फ्रियोन गैस को बदल करके अब हम कुछ और गैसें भरने लगे हैं जो इको फ्रेंडली होती हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो ये जो फ्रिज की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया जो हम CFC को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं वही प्रक्रिया हम अमोनिया गैस को लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर फ्रिज में अमोनिया का यूज़ ना करके हम बड़े बड़े जो आइस फैक्ट्रीज होते हैं, ठीक है, आइस फैक्ट्री जो बर्फ़ की जो मशीन्स होती हैं वहाँ पर हम प्रशीतक के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं अमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के तौर पर किया जाता है, इसका उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है
और अमोनिया का जलीय विलयन, देखो अमोनिया का जलीय विलयन मतलब अमोनिया की रिएक्शन आप जल से करा दो, तो अमोनिया का जलीय विलयन किस नाम से जाना जाता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के तौर पर करते हैं, कूलेंट के रूप में करते हैं, अमोनिया का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक बनाने अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं, और तीसरा उपयोग है कि अमोनिया का जो उपयोग है वो कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अमोनिया के उपयोग हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अमोनिया के रासायनिक गुणों की, या फिर कहें तो अमोनिया की वो रिएक्शन जो हमें करानी है। देखो अमोनिया की तीन रिएक्शन आपसे पूछी गई है। पहली रिएक्शन कौन सी है, क्लोरीन के साथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरीन के साथ, ये कई बार अलग से पूछी गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब अमोनिया गैस की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, अमोनिया गैस की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक है। देखो मैं इस रिएक्शन को कॉमा लगा के लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पता रहा है, -22.4 किलो कैलोरी। खैर हम अपनी पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखो क्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया होती है वो दो पार्ट में होती है, ठीक है। आप याद रखिएगा केस वन, पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं जब NH3 आधिक्य में हो, आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा में हो, जब अमोनिया अधिक मात्रा में हो तो रिएक्शन क्या होती है, 8 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 6 मोल्स ऑफ Cl2 बराबर 6 मोल्स ऑफ NH4Cl होगा, 8 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 3 मोल्स ऑफ Cl2 बराबर 6 मोल्स ऑफ NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के 6 मोल मिलते हैं और साथ में क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस, जब हम अमोनिया को अधिक मात्रा में लेते हैं, और केस टू में जब क्लोरीन आधिक्य में हो, जब क्लोरीन आधिक्य में हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, NH3 प्लस 3 मोल्स ऑफ Cl2 गिव्स NCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl, इसका नाम क्या है होता है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, और ये अनस्टेबल होती है, हैवीली एक्सप्लोसिव होती है, थोड़ा सा भी अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे तो ये विस्फोट हो जाता है इसमें, ये अनस्टेबल है बट बनती है नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। तो हमने देखा कि अमोनिया की आधिक्य में अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस मिलती है, और यदि क्लोरीन के आधिक्य में अमोनिया की रिएक्शन कराएं तो नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बनती है, जो कि लिटिल बिट अनस्टेबल है और हैवीली एक्सप्लोजिव है, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये एक्सप्लोजन के साथ विस्फोट हो जाता है। तो ये रिएक्शन है अमोनिया की क्लोरीन के साथ, जो कि इसका पहला रासायनिक गुण भी हो गया। अगर आपसे रासायनिक गुण पूछता तो आपका पहला रासायनिक गुण ये हो गया था। दूसरा रिएक्शन है AgCl के साथ। देखो आपसे अमोनिया की रिएक्शन पूछी गई है, कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, अमोनिया के जलीय विलयन की क्रिया कराओ किससे, AgCl से। तो एक ही चीज़ है, अमोनिया की क्रिया कराओ चाहे अमोनिया के जलीय विलयन से क्रिया कराओ, मैं दोनों रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आपके पेपर में जो भी पूछी जाए वो लिख दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आपको लिखनी है, अमोनिया की रिएक्शन AgCl से। तो देखो अमोनिया की रिएक्शन हम जब AgCl से कराते हैं, सिल्वर क्लोराइड से कराते हैं, तो हमको मिलता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, इसका नाम होता है डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ये IUPAC नाम लिखा है, IUPAC नाम आपने सीखा होगा कॉम्प्लेक्स में, नहीं सीखा होगा तो मैं बता दूंगा, डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है अगर हम अमोनिया की क्रिया AgCl से कराते हैं। और हमने क्या बोला कि अगर हम अमोनिया के जलीय विलयन की रिएक्शन कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप क्या ले लीजिए NH4OH और इसकी रिएक्शन किससे कराइए, AgCl से, कॉम्प्लेक्स आपका वही बनेगा, मीन्स AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बनेगा और साथ में मिल जाएगा आपको 2 मोल्स ऑफ H2, ठीक है, ये आपको मिल जाता है डाई एमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, इसमें भी बनता है, साथ में क्या मिल जाएगा
टू मोल्स ऑफ H2O बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी हो गई AgCl के साथ अमोनिया की क्रिया या फिर अमोनिया के जलीय विलयन की क्रिया। जलीय विलयन पूछा जाए तो नीचे वाली रिएक्शन लिखिएगा, और सीधे अमोनिया की रिएक्शन पूछी जाए तो हम ऊपर वाली रिएक्शन लिख करके इसका काम चला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड रिएक्शन की। देखो थर्ड रिएक्शन ये भी सिंपल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पूछी गई रिएक्शन है। देखो थर्ड रिएक्शन को आप ध्यान से सुनो, क्या चीज़ है वो, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया की क्रिया। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया की क्रिया कराते हैं या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो हमारी थर्ड रिएक्शन में हमको लेना है 3 मोल्स ऑफ CuO प्लस NS3। अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है तो 2 मोल्स ऑफ NS3 ले लेंगे, गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा 3 मोल्स ऑफ Cu प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। ये होता है, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर कॉपर मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है और 3 मोल्स ऑफ H2O मिलता है। ये हमारी इक्वेशन है और इस तरह से हमारे तीनों रिएक्शन लिखते हुए हमारे समीकरण हो गए। ये तीनों रिएक्शन ही बेसिकली अमोनिया के रासायनिक गुण हैं। ऐसा नहीं है कि अमोनिया की मात्र यही रिएक्शन पूछी जाती हैं, अमोनिया की और भी सारी रिएक्शन हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मान लो हम यहाँ पर लिखते कि अमोनिया की क्रिया या अमोनिया के जलीय विलयन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराओ, तो फिर आपको कुछ और रिएक्शन लिखनी होती। तो आप कहोगे सर क्या यही पूछी जाएगी, दूसरी रिएक्शन नहीं आ सकती है? देखो ध्यान से समझना, अगर आप दूसरी रिएक्शनों को शामिल करोगे तो यहाँ पर आपका कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो 3 रिएक्शन लिखी हैं ये वो 3 रिएक्शन लिखी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई रिएक्शन आपसे पूछी जाए तो उन रिएक्शनों को आप कहाँ से तैयार करेंगे, क्या होता है जब। देखो कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्या होता है जब की सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ में जितनी भी रिएक्शन हैं, चाहे वो अमोनिया की हो, चाहे वो नाइट्रिक अम्ल की हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल की हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो सकती हैं जो बोर्ड में कभी ना कभी पूछी गई हैं, वहाँ पर मैंने उसको शामिल कर दिया है। आप उसको देख लीजिए, अगर देखोगे, लिखोगे, याद करोगे, बार बार रिपीट करके देखोगे, बार बार लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी वो रिएक्शन क्या होता है जब मैं पूछा जाए तो वहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। बस आपको लिखना है क्या होता है जब कि सीरीज़ आप सभी लोगों को मिल गई होगी कैप्सूल सीरीज़ के अंतर्गत, उन सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब लिखिए, बार बार पढ़िए। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन के साथ इसको देखते चलिए, देखिए, लिखिए और बार बार पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट भी ज़रूर किया करिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।